हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ क्यों रहा है? इसमें दो कारण, एक तो सरकार का कुछ गड़बड़ी है और कुछ अपना भी गड़बड़ी है कि मुझे जॉब मिलता है लेकिन दिखावा के चलते मैं वो जॉब कर नहीं रहा हूँ, मुझे चाहिए सरकारी जॉब, उसके कारण भी आप अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे हैं आज मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा और काफ़ी अच्छा से बताऊंगा। वैसे तो मेरा इस सब्जेक्ट से कोई उतना लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि कुछ कुछ टॉपिक जो है जो आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर इंसान के लिए, वो टॉपिक मैं अपने यूट्यूब पर लेके आऊँगा। वैसे मैं तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा। बहुत जल्द आप लोग के यूट्यूब पर क्लास 9, 10, 11, 12, BPSC तक का फिजिक्स आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्द वो आने वाला वीडियो, अभी उसमें समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन न ज़्यादा समय आपका लेते हुए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्यों होता है और किसके कारण होता है, इसका कारण क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए देखो, आप देखते होंगे स्क्रीन पे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आपसे यदि कोई डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप पहले हिंदी में उसको समझिए। एक तरह का ये फेनोमिना है कि कोई भी पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ वर्किंग, वो वर्किंग काम करने के लिए वो कैपेबल है भाई, इच्छुक है, लेकिन एक्टिवली वो सर्चिंग भी कर रहा है उस वर्क के लिए, लेकिन वो उस वर्क को खोज नहीं पा रहा, दैट इज नॉन एज अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम कहते हैं बेरोजगारी, क्या समझे? अब चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना तरह का होता है, और आपको जो मैं बताया कि कुछ सरकार का भी गड़बड़ी, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, हम उसके चलते कि हमको करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे। मेरे पास है डिग्री, मैं प्राइवेट में भी 25,000 कमा सकता हूँ और सरकारी में 30,000 कमा सकता हूँ, लेकिन उस 30,000 के चलते मैं 25,000 भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं काम करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, मुझे जॉब मिल रही है। ठीक, टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, काफी अच्छा, उतना डिटेल में बताऊंगा, आप नोट कहीं से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे मानिए अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरह का होता है, आप देखिए स्क्रीन पे, अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है। एक होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं अनैच्छिक, शायद हिंदी में अनैच्छिक कहते हैं, आप समझ सकते होंगे। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इनवॉलेंट्री में क्या होता है कि ये काम, इनवॉलेंट्री में क्या होता है कि आई एम रेडी, मैं जॉब के लिए रेडी हूं, आप देखते होंगे इसमें आई एम रेडी फॉर जॉब, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ, जॉब के लिए रेडी हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या हो रहा है, जॉब मिल नहीं रहा, मैं दुखी में हूँ, लेकिन मुझे जॉब, बट मुझे जॉब मिल नहीं रहा, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब मिला, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए होंगे कि मैं जॉब के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे जॉब मिल कहाँ रहा भाई, इस दैट इज नॉन एज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए, अब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि मैं जॉब के लिए रेडी नहीं हूँ, मतलब आई एम गेटिंग जॉब, मेरे पास जॉब है, लेकिन आई एम नॉट रेडी, दैट इज नॉन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, आई एम गेटिंग जॉब बट आई एम नॉट रेडी, इसी के कारण ज्यादा आदमी क्या हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है। आई एम नॉट रेडी, यहां लिख देते हैं क्योंकि नहीं दिखेगा आपके स्क्रीन पर, आई एम नॉट रेडी। अब इसका, इसको तो जॉब मिल रहा है, इसका मुंह कैसा हो जाएगा, ये पूरा एकदम खुशी हो जाएगा, खुशी हो जाएगा भाई, खुशी, देखो ये पूरा खुश है, ये बेचारा रो रहा, दैट इज नॉन एज अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ गए, दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कि आई एम रेडी फॉर जॉब, मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे जॉब मिल नहीं रहा, बात समझ गए। इसी तरह का बहुत आपको मिलेगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि आई एम गेटिंग जॉब,
मैं मुझे जॉब मिल रही है भाई, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, दैट इज नॉन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये इस तरह का आदमी आपको गोम में काफी ज्यादा मिलेगा जो सरकारी नौकरी के पीछे भागता। अरे भाई ठीक है, आपका जो मन है कीजिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि बेरोजगारी का दर काहे बढ़ रहा है, इसके पीछे का ये कारण है। इसमें खुद का भी भाई गलती है, ऐसा नहीं कि सरकार का ही गलती है, सरकार का जो गलती है लेकिन खुद का भी गलती। चल, इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी दर, सबसे ज्यादा गरीबी दर कारण यही। चलिए, गरीबी दर भी है, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों है बिहार में। कारण यही कि आपके पास भाई जॉब नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आप कहाँ से, आप तो गरीबी में आएगा, 20,000 जहां आना चाहिए था वहां 1 रुपया नहीं आ रहा, तो क्या होगा, गरीब तो हो गए ही भाई। चलो अब उसके बाद चलते हैं दूसरा पेज पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं टाइप्स बता रहा हूं, पहले रीजन बता देता हूं, उसके बाद टाइप बता दूंगा। रीजन सबसे अच्छा, ब्लैक रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या? देखिए रीजन तो काफी ज्यादा, पहला रीजन देखिए, रीजन देखोगे तो आपका जब पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली बढ़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, अब मैं समझा रहा। दूसरा है कि आपके पास क्या हो रहा है, साधन सीमित है, इट मींस लिमिटेड रिसोर्स। देखिए मैं कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूं, दूसरे सर की तरह। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हुआ कि आपका जो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ कर रहा, पॉपुलेशन क्या हो रहा, रैपिडली ग्रोथ कर रहा, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ कर रहा और लिमिटेड रिसोर्स है, ये ग्रोथ नहीं कर रहा भाई, दैट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। मानिए आपके घर में कमाने वाला 5, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मानो 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसमें क्या है कि पॉपुलेशन मेरे घर में 50 हो गया, लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, कि उसने उतने में ही मुझे कमाना है भाई। तो बोलो गरीब होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बेरोजगारी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, रीजन हो गया ना। दो, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है। देखिए कोई भी टॉपिक समझने के लिए काफी इजी, आप उसको समझिए किस तरह समझते हैं। देखिए तीसरा, आपको मैं तीसरा बता रहा हूँ, जितना समय लग जाए आज आपको मैं समझा के ही रहूंगा अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से, जो हर एग्जाम में काम दे। तीसरा क्या है, तीसरा आप देखते होंगे इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, इन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। चौथा है आप बोल सकते हो लैक ऑफ, हाँ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आप देखते होंगे गांव घर में, जैसे रूरल एरिया का हम लेते हैं, रूरल एरिया, आप गांव सब में देखते होंगे कि बैंक अभी तक वो नहीं पहुंचा भाई, बैंक नहीं पहुंची, मानी बैंक इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन विलेज। यदि बैंक नहीं पहुंची है तो क्या मुझे लोन मिलेगा, लोन फैसिलिटी क्या है, नहीं है गाँव में लोन फैसिलिटी, है नहीं है। जब लोन फैसिलिटी नहीं है भाई तो क्या जो मेरा अचीवमेंट गोल है उसको मैं पूरा कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। इकोनॉमिक गोल जो मेरा है, इकोनॉमिक गोल, इकोनॉमिक गोल क्या होगा, अचीव हो पाएगा नहीं हो। बैंक इज नॉट अवेलेबल, बैंक भी अवेलेबल नहीं है, जब बैंक अवेलेबल नहीं है तो लोन फैसिलिटी मिले, नहीं मिला, लोन फैसिलिटी नहीं मिला तो इकोनॉमिक गोल हम अचीव कर पाए, नहीं कर पाए। इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है गाँव में, गाँव में हर गाँव में बैंक होना चाहिए भाई, और उसको कम से कम परसेंट पे देना चाहिए कि वो बाहर के लैंडलॉर्ड के चक्कर में नहीं रहे, उसको जितना ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा वो उतना ग्रोथ करेगा, पहला बात। चौथा बात हो गया, पांचवा बात
पांचवा बात क्या है वो मैं बता रहा हूं। पांचवा बात आप देखते होंगे, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। आपके पास, मानिए कि आप गांव से बिलोंग करते हो, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यदि आप कैंसर से पीड़ित हो, तो आप जब कैंसर से पीड़ित हो, आपके पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो इलाज करवा पाइएगा? नहीं करवा पाइएगा। जब इलाज नहीं करवा पाइएगा तो आप काम कर पाइएगा? क्योंकि आपका तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं है, तो आप काम भी नहीं कर पाइएगा। जब आप काम नहीं कर पाइएगा तो क्या हुआ, आप अनएम्प्लॉयमेंट हुए कि नहीं? कारण ये भी है भाई। चलिए उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज ज्यादा नहीं, आज टाइप्स तक आपको बता देते हैं अच्छे से। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये काम देगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला लिखिए, पहला आप लिख सकते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल 10। आप देखते होंगे डिफिनेशन है, मैं समझा दे रहा हूँ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता भाई कि आप देखते होंगे गांव घर में कोई टेंट चला रहा या कोई कुछ चला रहा, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि व्हेन ए पर्सन, आप लिख ही लो, सबसे अच्छा लिख ही लो, आप लिख लो, एग्जाम्पल हो गया। कोई भी पर्सन क्या हो, व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड, पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड क्या, जॉब इन सम मंथ, जॉब इन, जॉब इन कुछ महीने, इन ए ईयर, देखिए व्हेन ए पर्सन, व्हेन लिख दो या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन ए, देखिए कोई भी आदमी है, जब कोई आदमी है, कोई भी पर्सन व्यक्ति है, वो एक साल में कुछ महीना जॉब खोज ही नहीं पाता, तो डेट इज नॉन ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे टेंट वाला को देखते होंगे भाई कि आप एक साल में जब शादी का लगन होता है तो उसको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, वो पूरा एम्प्लॉयड रहता है, उसके पास पैसा की कमी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ही समय, कुछ ही साल का कुछ ही मंथ में देखिएगा वो अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है, उसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके चलिए उसके बाद दूसरा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसी को हम कहते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखते होंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि मानिए कि इससे पहले मैं कोई मॉल में काम करता था, मुझे कुछ अच्छा मिला, एचडीएफसी बैंक में मुझे काम करने का मौका मिला, तो आप क्या किए, उस जॉब से निकल के उस जॉब को ज्वाइन कर लिए, दैट इज नॉन ए स्विचिंग, स्विचिंग बिटवीन टू जॉब, मतलब स्विचिंग बिटवीन द जॉब, या आप एक जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब का सर्चिंग कर लिए, दैट इज नॉन ए फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या स्विचिंग, मानो ये एक मुझे कहीं मिला, ये दूसरा कहीं जॉब मिला एचडीएफसी में, इसमें क्या कर दिए, ये मानो कोई भी है मॉल में हम काम कर देते हैं, इसके बीच में क्या हो, स्विचिंग हो गया, स्विचिंग हो गया या सर्चिंग हो गया, सर्चिंग, दूसरा जॉब का हम क्या करें, सर्च कर ले और स्विचिंग कर ले, दैट इज नॉन एज क्या, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ चुके होंगे, यदि कोई दिक्कत है भाई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम, दो हो गया, दो हो गया ना, हाँ तीसरा आप देखते होंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अन देखते होंगे कि मानिए ग्राफ है, किसी समय क्या हुआ, मेरे जॉब में
बूस्ट हो गया, बूम हुआ, काफी ज्यादा बूम हुआ, और किसी समय क्या हो गया, बूस्ट हो गया। कभी काफी ज्यादा बूम हुआ भाई, इतना ज्यादा बूम हुआ कि पैसा का दिक्कत नहीं हुआ। जब पैसा का दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई भी मैं बिजनेस कर रहा, एग्जाम्पल मैं एक मानो एक एग्जाम्पल, मेरे पास कपड़ा का दुकान है। जब कपड़ा का दुकान है तो बिजनेस साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, राइजिंग ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो होता क्या है कि बूम किया तो हाई एम्प्लॉयमेंट, जब बूम करेगा तो आदमी को ज्यादा में जॉब देगा, जॉब देंगे, हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ हाई एम्प्लॉयमेंट। जब ये साइकिल नीचा गिरा, एकाएक गिर गया, तो यहाँ क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, समझ गए। एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस, बिजनेस में याद रखना। चलिए उसके बाद चौथा चीज देखिए, जस्ट वेट भाई, थोड़ा ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूँ आपको, और कौन बच गया, ओपन हो गया, टेक्नोलॉजिकल इम्प्लॉयमेंट कितना नंबर है, 3 4 देखना पड़ता है ना, टेक्नोलॉजिकल 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 अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में कम क्या मतलब है, लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसको लिख देते, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, 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 चेंज ऑफ जॉब ड्यू टू लॉस ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप एक एग्जांपल मानिए कि मेरे पास, या आप लिख सकते हैं, व्हेन ए मैन रिप्लेस्ड बाय मशीन, आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजिकल अनिब, जैसे हैंडलूम सेक्टर, अब समझिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि मानिए पहले आप हैंडलूम के फैक्ट्री में काम करते थे, जब काम करते थे तो आपके पास इनकम आता था, लेकिन उसी जगह मशीन चला गया, आपके जगह पे रिप्लेस होकर मशीन चला गया, क्या हो गया, मेरा जॉब का लॉस हुआ भाई, क्यों, ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉन एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए उसके बाद पचमा, पचमा है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सर बता दिया है ना, टाइप्स ऑफ अनसीज नहा ना ने बताया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ जब स्किल मेरे पास है विच डज नॉट मैच विथ, जो जॉब को चाहिए उस स्किल से नहीं मिल, मिसमैच हो रहा, मिसमैच ऑफ स्किल लिख दीजिए, यहाँ सिंपल में लिखिए, देखिए कोई भी चीज सिंपल में लिखेगा तो मिसमैच ऑफ स्किल, जब मेरा स्किल का मिसमैच हो रहा तो उस जगह क्या होगा, स्ट्रक्चर अनइम्प्लीमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एग्जांपल में एक में इंजीनियर हूँ, इंजीनियर इंजीनियर है, तो मेरे पास ए प्लस प्लस का है, लेकिन वहाँ डिमांड क्या है जॉब में, डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है इंडस्ट्री को, माने कोई इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री नीड क्या है, जावा, जावा होता है ना, जावा, जावा डिमांड है, तो मुझे तो ए प्लस आता है, लेकिन डिमांड क्या है, जावा का है, तो क्या होगा, मेरे को जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब जॉब नहीं मिलेगा तो दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके पास स्किल है, ऐसा बात नहीं कि स्किल नहीं, इफ यू हैव इंजीनियरिंग दैट यू नो अबाउट ए प्लस प्लस, बट इंडस्ट्री डिमांड या इंडस्ट्री नीड जावा, दैट इज नॉन एज अनइम्प्लॉय, दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर अनइम्प्लॉयमेंट, मतलब मिसमैच ऑफ द स्किल, या दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चर अनइम्प्लॉयमेंट। ओके चल उसके बाद चलते हैं छठा में,
थोड़ा दिक्कत होता है, क्या बताएं आपको। देखिए थोड़ा हैंग करने लगा, सॉरी इसके लिए। हाँ चल, हैंग काहे कर रहा भाई, कंट्रोल फंक्शन तो है ही है। अब उसके बाद है पांच छठा सिक्स नंबर, उसको कहते हैं डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आप मानिए कि आपके घर में कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, मतलब वो दिख नहीं रहा। इट सीम्स लाइक पर्सन इज वर्किंग बट इट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो लाइक एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब विजिबल नहीं, इतना जानिए विजिबल नहीं, विजिबल नहीं, विजिबल नहीं, वर्किंग कर रहा। विजिबल तो है लेकिन इसका कैसे आपको मैं समझाऊं। अच्छा एक चीज, विजिबल तो है भाई, विजिबल नहीं ऐसा नहीं होगा, बता रहा हूँ, जस्ट वेट। मैंने बात है कि देख पीडीएफ लेकिन विजिबल है, मस्ट भी विजिबल, विजिबल है, हाँ विजिबल है। मानो कार्य करते दिखता है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होता है ना वो जीरो हो जाता है। हाँ अब याद आ गया, सॉरी सॉरी भाई, लिखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। दैट इज जैसे एग्जांपल में आप एग्रीकल्चर लिख लीजिए, एग्रीकल्चर याद हो गया, मतलब आप दिख रहे हो कि दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज विजिबल, कि आप दिख रहे हो कि काम कर रहे हो भाई, द पर्सन इज वर्किंग, लेकिन बट द मार्जिनल मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होता है दैट इज जीरो, दैट इज नॉन एज डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए सातवां, सातवां शायद आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसलिए कि इस तरह का काम इस बार टीचर के नौकरी में काफी ज्यादा हुआ। सातवां जिसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अन एम्प्लॉय, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि एक पर्सन कोई भी है उसका क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच विथ हिज जॉब, मतलब मानो प्यून, मुझे एक मानो कि मैं एक एमटेक का लड़का हूं लेकिन मैं प्यून का नौकरी कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, दोनों का क्वालिफिकेशन मिसमैच हो रहा, दैट इज नॉन एज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। लिख दो ए पर्सन हुज क्वालिफिकेशन, हुज क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच विथ हिज जॉब, जैसे एमटेक किया है, नौकरी क्या कर रहा है, प्यून का कर रहा है या टीचर का, टीचर का, तो क्या हो रहा है इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है ना ये दोनों से, ये दोनों से क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, दैट इज नॉन एज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सर्वे होता है ना वो एनओसो देता है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे डन बाय एनओसो, इतना तक बता दो, कल इसके आगे बता, लिख लेना यहीं लिख देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का जो सर्वे होता है ना, फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे जो होता है वो एनओसो देता है, इतना लिख देते हैं। सर्वे द एनएसओ, इतना तक आज, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कभी मैं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, सर्वे का नेम जो है
PLFS को NSO ही करता है, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसको भी NSO करता है। एग्रीकल्चर वर्कर के बारे में बताएंगे, रूरल वर्कर के बारे में बताएंगे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा है जो आपको फोर्ब्स इंडिया का जो डाटा है वो भी मैं आप लोग को बताऊँ। चलिए ओके, थैंक यू। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार दीजिएगा यूट्यूब पे, जिस तरह आप लोग डिमांड करते हैं कि मुझे ये वीडियो चाहिए वो वीडियो चाहिए, मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ओके थैंक यू, नमस्कार।